नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है लोकल ट्रेन, रात और दिन शुरू रहती है यात्रियों के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए। लेकिन कई दौरान लोकल ट्रेन में महिलाओं के साथ कुछ अपराध को भी अंजाम दिया जाता है, लेकिन कई अपराधों को होने से टाला भी जाता है, जिसका कारण एक मात्र अगर कहा जाए तो लेडीज डिब्बे में तैनात होम गार्ड को माना जा सकता है। आखिर कैसी होती है ये सारी प्रक्रिया, कैसे आपके डिब्बे तक होम गार्ड पहुंचते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में कभी कोई बेवड़ा घुस जाता है तो कभी कोई चोर। ऐसे में रात के समय महिलाओं को बहुत खतरा रहता है। रात के समय महिला लोकल डिब्बे में ज्यादा लोग भी सफर नहीं करते हैं। रात 11 बजे के बाद लोकल डिब्बे में आपको महज एक से दो लोग ही नजर आएंगे। ऐसे में कई बार लोकल ट्रेनों में महिलाओं के साथ कई घटनाएं भी घट जाती हैं। लेकिन कई घटनाएं होती होती टल भी जाती है, जिसका कारण होते हैं लोकल के हर एक लेडीज डिब्बे में तैनात होमगार्ड। जी हाँ, रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ये होमगार्ड लोकल के लेडीज डिब्बे में तैनात रहते हैं, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और बेधड़क सफर कर सकें। ऑब्वियसली सेफ्टी लगता है, क्योंकि कभी कभी अननोन लोग चढ़ जाते हैं तो पुलिस मेक श्योर करते कि वो बाहर निकल जाए, और हमें सेफ्टी लगता है, हमें रिलैक्स लगता है, हमारे पेरेंट्स को भी लगता है। मैं बोलती हूँ कि है पुलिस वाला ट्रेन में, तो उनको भी लगता है कि ठीक है, वो अच्छे से आ जाएगी घर पे, सो इट्स गुड। हाँ, बहुत अच्छा है। 9 बजे से ही रहते हैं वो लोग ट्रेन में, क्योंकि मैं 9 से 12 बजे के बीच में आते तो वो लोग काफ़ी टाइम रहते हैं वो लोग हमेशा ट्रेन में। कभी कभी फीमेल्स रहती है, कभी कभी मेल कांस्टेबल रहता है, पर रहता है कोई ना कोई रहता है हमेशा। इस दौरान लॉकडाउन है, कोरोना है, तो उस दरमियान अभी लेडीज के डब्बे में नाइट में हमें सुरक्षित महसूस होता है। रात को कभी कभी हम लोग इवेंट से आते हैं तो 12-1 बजता है तो भी हमें सुरक्षित लगता है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि डर जैसा कुछ। अभी जैसे बॉम्बे का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, बट सुरक्षित है हम लोग। थैंक यू उसके लिए पुलिस। रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लोकल के 45 ट्रेन दौड़ते हैं। हर एक लोकल में 3 महिलाओं के डिब्बे होते हैं, यानी 135 होमगार्ड तैनात रहते हैं। स्टेशन आते ही कांस्टेबल को चिट्ठी दी जाती है ये बताने के लिए कि वो अपने डिब्बे में ड्यूटी करने के लिए मौजूद है। फिर बाकायदा एंट्री की जाती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं के सुरक्षा इंतजामात पुख्ता है या नहीं। इसीलिए तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में बेधड़क महिलाएं रात को भी सफर करती है। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मलाड से एक काफी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नेत्रहीन लड़की अपने ही गैंग रेप की झूठी कहानी रचती है। आखिर वो ऐसा क्यों करती है, क्या होती है उसकी मजबूरी, देखिए। मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नेत्रहीन लड़की का रेप। नेत्रहीन लड़की ने सुनाई रेप की झूठी कहानी, प्रेगनेंसी छुपाने के लिए रची साजिश। मुंबई मलाड रेलवे स्टेशन पर देर रात एक नेत्रहीन महिला का बलात्कार होने की घटना सामने आई थी, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि वो जब अक्टूबर 2021 में मलाड रेलवे स्टेशन पर देर रात आई थी तब सब ट्रेन बंद हो गई थी। इसी वजह से मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो रात को रुकी थी। पीड़िता का कहना था कि वहां कुछ देर बाद एक लड़का आया और मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया, फिर वापस कुछ देर बाद दूसरा लड़का आया और उसके साथ रेप किया। सुबह उठकर वो ट्रेन पकड़कर लातूर चली गई। लातूर बस स्टैंड के यहाँ 3 महीने तक रुकी। उसके बाद वो पुणे आ गई, जहाँ उसकी एक दोस्त थी जिसने उसकी मदद की, और उसकी ही मदद से उसे नौकरी भी मिल गई। नौकरी करते करते उसे आभास हुआ कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है। जब उसने टेस्ट कराया तो वो प्रेग्नेंट पाई गई। पीड़िता ब्लाइंड है, इसलिए डॉक्टर ने पीड़िता के साथ नर्स दिया और ससून हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा दिया, जहाँ पुणे पुलिस ने पीड़िता से संपर्क किया। पीड़िता ने पुलिस को मलाड से पुणे के सफर की पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद पुलिस को संपर्क कर महिला की शिकायत के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ बलात्कार का मामला भी दर्ज किया गया। बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास ये मामला भेजा गया। इस मामले में बोरीवली रेलवे पुलिस ने प्रेस FIR दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता की शिकायत की कहानी जब पुलिस ने सुना तो पुलिस को पीड़िता के बयान में कुछ विरोधाभास लगा। GRP पुलिस ने जांच में पाया कि महिला जो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है उसका नंबर अलग था, जबकि पीड़िता ने जो मोबाइल नंबर पुणे डाउन पुलिस को दिया था वो नंबर अलग है।
इस बात को पुलिस को शक बढ़ गया और जांच में जो पुलिस ने पाया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उस महिला का जवाब लिया, उनको बार बार पूछताछ की, अधिक विश्वास में लिया और आखिर में उन्होंने इस केस की गुत्थी सुलझाने में उनको सफलता प्राप्त हुई है। उस लड़की ने बताया है कि ऐसा कुछ मालाड रेलवे स्टेशन पर उसके ऊपर गैंगरेप वगैरह नहीं हुआ है। उसको उसका दोस्त जो कि वो भी खुद अंधा है, मतलब ब्लाइंड है जन्म से, दोनों के उनके प्रेम संबंध थे और उनके सम्मति से दोनों का शारीरिक संबंध हुआ और उसमें से उसको प्रेगनेंसी हुई है और वो प्रेगनेंसी उसको एबॉर्शन करना था, उसलिए उसने ऐसा बनाव बनाया था और ऐसा कुछ रेप वगैरह हुआ नहीं है। तो सुना किस तरह एक नेत्रहीन लड़की ने अपने ही बलात्कार की झूठी कहानी रची। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि चोर और पुलिस की झड़प हो जाती है। झड़प भी कुछ ऐसे कि सड़कों पर पकड़म पकड़ाई से लेकर रेलवे ट्रैक तक पकड़म पकड़ाई हो जाती है। लेकिन ऐसा ही एक घटना कांदिवली से भी सामने आया है, जहां पुलिस ने चोर को एकदम फिल्मी स्टाइल में धर दबोचा है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि एक हकीकत की घटना है। जी हाँ, चोर और पुलिस की पकड़म पकड़ाई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जीत पुलिस की ही हुई। दरअसल मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक यात्री का मोबाइल स्नैचिंग कर एक चोर भाग रहा था और आरोपी को कांदिवली पुलिस स्टेशन के जवान ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ाकर फिल्मी स्टाइल में पकड़ा और रेलवे पुलिस के हवाले किया। चोर जैसे ही मोबाइल छीनकर भागा, पुलिस की अचानक नजर पड़ी और पुलिस उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और चोर को पटरी तक दौड़ाया। फिर जैसे ही चोर हाथ लगा, उसे धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम ताहिर मुस्तफा सैयद है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। पुलिस ने बताया कि इस आरोपी के खिलाफ और भी कई मामले दर्ज है। आए दिन लोकल में चोरी जैसी घटनाएं घटती रहती है और ये घटना अब आम बात हो गई है। अगर आपका मोबाइल कभी लोकल में चोरी हो गया तो शायद आप उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि मोबाइल गया तो गया, अब वापस नहीं मिलने वाला है। चाहे कितना भी पुलिस कंप्लेंट क्यों ना करवा लो, लेकिन कांदिवली पुलिस कांस्टेबल ने मिसाल पेश की है और इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। के मध्य रेलवे लोकल ट्रेन में 72 घंटों का लंबा मेगा ब्लॉक था, जिसके कारण आज यात्री काफी ज्यादा परेशान रहे। परेशान भी कुछ इस हद तक कि यात्री रेलवे ट्रैक पर चलने पर मजबूर हो गए। मेगा ब्लॉक ने बढ़ाई लोकल यात्रियों की परेशानी। पटरियों पर चलने के लिए मजबूर हुए लोकल यात्री। 72 घंटे लंबे मेगा ब्लॉक से लोकल सेवा प्रभावित। सेंट्रल रेलवे 72 घंटे लंबे मेगा ब्लॉक के कारण आज लोकल यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल यात्रियों से मेगा ब्लॉक के कारण डबल किराया वसूला जा रहा है। अंत में कर्मचारियों ने रेलवे ट्रैक से जाना पसंद किया, क्योंकि ट्रेन के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और फिर उतने वक्त में तो लोकल यात्री पटरी पर चलकर थाने स्टेशन तक पहुंच जाते। इसी वजह से यात्री पटरी पर चलते नजर आए। मेगा ब्लॉक के चलते लोग कलवा स्लो ट्रैक पर चलकर थाने स्टेशन तक पहुंचे। जान जोखिम में डालकर लोग पटरी पर चलने लगे। मेगा ब्लॉक के कारण सभी ट्रेनें इसी धीमी रूट पर चल रही है। वहीं मेगा ब्लॉक के कारण हो रही परेशानी को लेकर यात्रियों ने बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त की। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। वसई में आज बैंक के सामने से ही चोर 1.5 लाख का बैग चुरा कर ले गया और वो भी चंद रुपयों की लालच देकर। वसई में अपराधियों के अंदर कानून का खौफ नहीं। बैंक के बाहर दिन दहाड़ी लूट की घटना। घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने की तलाश शुरू। मुंबई से सटे वसई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़ी चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ये लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल वसई के एवरशाइन नगर में एक टू व्हीलर पर आया ग्राहक
बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाल कर लाया। उसी दौरान एक बाइक पर आए दो चोर उसके रुपयों के बैग को लेकर भाग गए। आज दोपहर को अंकुश सुतार नाम के शख्स ने एवरशाइन इलाके की कोटक महिंद्रा बैंक में चेक जमा कर 1.5 लाख रुपए निकाले थे। जैसे ही वो पैसे लेकर बैंक से निकल रहा था उसी दौरान आरोपियों ने उसे ये बताकर चौंका दिया कि कुछ नोट गिर गए हैं। उसके बाद वो बाइक खड़ा कर गिरे नोटों को देखने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर चोर शख्स के बैग पर टंगे पैसे का बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। इस घटना को लेकर वाले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी और राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। मुंबई के लोकल ट्रेनों में अब ब्लैक बॉक्स लगने जा रहा है। क्या होता है ब्लैक बॉक्स, इससे क्या होगा, कैसे अपराध कम होंगे, देखिए। अब मुंबई लोकल में लगेगा ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के कारण लोकल में एक्सीडेंट की मिलेगी जानकारी। ब्लैक बॉक्स के लिए बजट में 2.3 करोड़ रुपयों का प्रावधान। हर कोई जानता है कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स होते हैं। ये ब्लैक बॉक्स विमान और हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। दुर्घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था, ये ब्लैक बॉक्स से पता चलता है। अब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की तरह मुंबई लोकल में भी ब्लैक बॉक्स लगाए जाएंगे। रेल बजट में 2.3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये CVVRS प्रणाली न केवल आपद स्थिति में मोटर मैन की कैब में सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करने में मदद करेगी, बल्कि ट्रेन के सामने लगे कैमरों से दुर्घटना के विवरण को सहेजना आसान हो जाएगा। सिस्टम लंबी दूरी के इंजन वाले उपनगरीय इंजनों के मोटर मैन और गार्ड कैब में स्थापित किया जाएगा। मध्य रेलवे नागपुर मंडल की लगभग सभी ट्रेनों में इस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में फ्रेट इंजन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही रेलवे की सभी मालगाड़ियों में ब्लैक बॉक्स लगाया जाएगा। इससे ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना के कारणों का पता चलेगा। साथ ही अगर ट्रेन स्पीड लिमिट से ज्यादा चलती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि ट्रेन का चालक सिग्नल पर गति सीमा पर ध्यान नहीं देता तो ये ब्लैक बॉक्स उसका रिकॉर्ड करने में भी मदद करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस साल के बजट में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के दायरे में आने वाले रूटों के लिए अच्छा प्रावधान किया गया है। फंड में नई रेलवे लाइनें, पैदल पुल, सिग्नल सिस्टम का उन्नयन, रेलवे यार्ड में परिवर्तन आदि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्य रेलवे पर परियोजनाओं के लिए 7,251 करोड़ मिले थे। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में इस वर्ष लगभग 50% अधिक धन प्राप्त हुआ है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आज एक नशे में धुत ड्राइवर ने कमाल ही कर दिया, या फिर एक हैरतअंगेज कर देने वाला जो दृश्य है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल नशे में धुत ड्राइवर ने सीधे एक दुकान में ही अपनी कार चला दी। दुकान में अचानक घुसी कार, शराब की नशे में धुत ड्राइवर ने दुकान में घुसाई कार, बेकाबू कार की डराने वाली रफ्तार, बाल बाल बची दो लोगों की जान। महाराष्ट्र के नासिक में एक भीषण दुर्घटना कैमरे में कैद हुई है। यहां एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क छोड़ सीधे एक दुकान में जा घुसी। इसमें सड़क किनारे बनी किराने की दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त दुकान में दो लोग मौजूद थे और दोनों ने किसी तरह छलांग लगा अपनी जान बचाई। अगर वे सही समय पर नहीं कूदे होते तो उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता था। यह हादसा कल शाम को खेरवाड़ी चांदोरी रास्ते पर हुआ। नासिक पुलिस के मुताबिक राहुल भोर नाम का शख्स स्विफ्ट कार को खेरवाड़ी रोड पर चंदोरी की ओर तेज गति से ले जा रहा था। कार सड़क किनारे स्थित विठल किराना स्टोर के पास जैसे ही पहुंची, वो अनियंत्रित हो गई और सड़क से उतरकर सीधे किराना शॉप में जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने पूरा किराना स्टोर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हादसे में किराना स्टोर को लाखों का नुकसान हुआ। काउंटर पर बैठे किराना स्टोर के मालिक को इस दुर्घटना में मामूली चोट आई है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फर्स्ट एड लेने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाने दिया। दुर्घटना के बाद राहुल भोर कार को वहीं छोड़ मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह नशे में धुत था और बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार को जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। ये दुर्घटना पास की दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। नारा सुपारा में देर
रात दूध की कैरेट की चोरी होने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ऐसी ही एक घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नरसुपारा में दूध के कैरेट हुए चोरी, चोरों ने चुराए दूध के कैरेट, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। नरसुपारा में अक्सर ही चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। चोरी, डकैती, खून खराबा जैसे आम ही बात है। वहीं दुकान में चोरी करना, बंद घरों में चोरी करना भी हर रोज का ही मामला है। लेकिन जिस मामले के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नरसुपारा के संतोष भवन इलाके से दूध के कैरेट चोरी करने की घटनाएं सामने आ रही है जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आइए उस सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर देखते हैं। ये घटना सुबह करीबन 3:30 से 4:30 बजे के बीच घटी। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए, सुबह के लगभग 3:30 बज रहे हैं। बेकरी के बाहर ढेर सारे दूध के कैरेट रखे हुए हैं। अचानक एक रिक्शा यहाँ आता है और उसमें से एक आदमी निकलता है और ये क्या, देखते ही दूध के दो कैरेट रिक्शे में भर कर रफू चक्कर हो जाता है। और फिर ये दूसरी सीसीटीवी फुटेज जिसमें लगभग 4:19 का समय है और फिर एक रिक्शा आता है, उसमें से एक आदमी निकलता है, एक दूध का कैरेट उठाकर रिक्शे में भरकर चला जाता है। इसके बाद फिर कुछ ही देर में एक और रिक्शा आती है, लेकिन इस रिक्शे में बैठे दोनों लोग पहले आसपास देखते हैं, यहाँ वहाँ ताक झांक करते हैं कि कहीं कोई है तो नहीं, और फिर दूध के पैकेट से भरा कैरेट उठाते हैं और उसे लेकर तुरंत फरार हो जाते हैं। तो आपने 3 सीसीटीवी फुटेज देखी जहाँ चोर दूध के पैकेट से भरे कैरेट उठाकर फरार हो जाते हैं। गहने और पैसे तो ठीक था, लेकिन अब वसई विरार में चोरों ने दूध के पैकेट से भरा कैरेट भी नहीं छोड़ा। वसई विरार में पहले भी ऐसी चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन पर कब तक कार्रवाई करती है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राकेश सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जब एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ आवारा लड़कों को लड़कियों के छेड़ने से रोका और वो तस्वीरें जो है उनके जब पिता को भेजी तो देखिए किस तरीके से प्रिंसिपल पर तलवार से वार किए गए। महाराष्ट्र में प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला, दो शिक्षकों पर युवकों ने चलाया तलवार। शिक्षकों ने छात्राओं से छिड़कानी करने का किया था विरोध, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। महाराष्ट्र स्थित मराठवाड़ा के सबसे अहम जिले औरंगाबाद में खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल जिले के एक स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा से छेड़खानी के विरोध में स्कूल के शिक्षक ने एक रोड रोमियो को विद्यालय परिसर में आने से रोक दिया था। इस बात से आरोपी युवक इतना नाराज हुए कि उसने स्कूल के मुख्य अध्यापक और अधीक्षक पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। जिले के कन्नड़ इलाके के मकरनपुर में शुक्रवार की दोपहर ये घटना को अंजाम दी गई। दरअसल आरोपी ने शिक्षकों को पहले धमकी भी दी थी। इसी बात की शिकायत लेकर जब वे आरोपी के घर जा रही थी तब रास्ते में उन पर जानलेवा हमला किया गया। औरंगाबाद जिले के कन्नड़ शहर के कारखाना परिसर स्थित जीजा माता शिक्षण प्रसारक मंडल का कर्मवीर काका साहिब देशमुख विद्यालय है। स्कूल में 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। मकरनपुर इलाके का रहने वाला मजीद जमील शेख बीते कुछ दिनों से स्कूल के बाहर बाइक से आकर छात्राओं से छिड़कानी करता था। स्कूल के मुख्य अध्यापक एपी चौहान ने उसे ऐसा न करने के लिए कई बार समझाया भी था। जब मजीद ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने उसके स्कूल परिसर आने पर रोक ही लगा दी थी। शुक्रवार को स्कूल छोड़ने के बाद आरोपी मजीद स्कूल के गेट के पास आया और मुख्य अध्यापक चौहान को धमकियां देने लगा। उसने कहा कि स्कूल के सामने चक्कर मारते हुए मेरा फोटो निकालकर मेरे बाप को मोबाइल पर भेजता है क्या। इस दौरान आरोपी ने दोनों ही अध्यापकों के साथ गाली गलौज भी की और उन्हें देख लेने की धमकी दी। मजीद के पिता को इस घटना की जानकारी देने के लिए दोनों अध्यापक उनके घर जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही मजीद ने उन्हें रास्ते में रोका, दोनों पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को मिली उन्होंने तुरंत वारदात स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों घायलों को कन्नड़ ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। पुलिस ने इस मामले पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, हालांकि वो अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।